शर्मा। शुरुआत करेंगे ग्वालियर की खबर के साथ, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, दिल्ली इंदौर ग्वालियर के लिए आज से फ्लाइट की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह सौगात दी। दिल्ली इंदौर ग्वालियर के लिए आज से फ्लाइट शुरू हुई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। तो वर्चुअली शुभारंभ हुआ। अब आपको बता दें कि यात्री ग्वालियर से मात्र 90 मिनट में इंदौर पहुंच जाएंगे। हमारे उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे माननीय कृषि मंत्री परम सचिव नरेंद्र सिंह तोमर साहब, परम सचिव आदरणीय सुमित्रा महाजन ताई जी, परम सचिव हमारे मंत्री आदरणीय विजय सिंह साहब, परम सचिव विराट विजय साहब, आज हमारे ग्वालियर में विराजमान इस क्षेत्र के सम्मानीय सांसद परम सचिव विवेकमान सुरेंद्र साहब, आदरणीय सांसद हमारे शंकर लालवानी जी, हमारे ग्वालियर के प्रभारी और बड़े भारत परम सचिव तुलसीराम शिलावर जी, हमारे सहपाठी आदरणीय मंत्री भारत सिंह प्रताप साहब, आदरणीय हमारे सम्मानी यहाँ के गवर्नमेंट के सामने विराजमान मामा ज्ञानेंद्र सिंह जी, आदरणीय माया सिंह जी, आदरणीय आदरणीय रवि अग्रवाल जी, आदरणीय मती देवी जी, आदरणीय रामवरण सिंह जी, मुनालाल गोयल जी, आदरणीय अशोक शर्मा जी और सभी प्रेम सिंह जी के बच्चों को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे प्रेम धर्मा सपन जी, मैं इस बात के लिए ग्वालियर की जनता की तरफ से इस अंचल के परिवार के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि इस अंचल को हवाई यात्रा, जब से आप मंत्री बने हैं तब से इसकी प्रथम दिन से आपने जो शुरुआत की है, अब यहाँ से रेल के अंदर एक ये विश्वास पैदा हो गया है कि इस शहर का और प्रदेश का विकास आपके कुशल मार्गदर्शन में माननीय शिवराज सिंह जी, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये विकास की धारा बहुत तेज गति से दौड़ में प्रारंभ कर रही है और इसके लिए हम आपका कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यही नहीं, विकास की तरफ देख रहा था, आज जो विश्वास पैदा हुआ है कि आपने मंत्री बनने से कई बार यहाँ पर तीन बजे और एयरपोर्ट पर ही अन्य शहरों की तरह एक भव्य एयरपोर्ट के रूप में बदलने के लिए आपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कृषि मंत्री से, जमीन के लिए माननीय नरेंद्र सिंह जी से और प्रशासन के मिलकर के जिला प्रशासन के साथ जो संवाद स्थापित कर उसको गति देने का काम किया है, मुझे विश्वास है कि आपके कर कम के द्वारा शीघ्र ही उसका भूमि पूजन होगा, ये मैं मुझे विश्वास है। मुझे यही विश्वास यही नहीं कि आप किस तरीके से मुझे इस बात को मन से कहने में पत्र है, गर्व है कि जब जब संकट का वक्त आया, चाहे बाढ़ है, चाहे कोरोना का समय है, चाहे पक्ष में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो, उस समय हर संकट के दौरान आप माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय शिवराज सिंह जी और वर्तमान में हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी पूरी तरह से क्षेत्र में जो घूमे, संकट के समय लोगों को जो साथ दिया, मुझे ये बात नहीं होनी चाहिए पर मैं किसी कैबिनेट में मंत्री था तब मैंने देखा था कि ग्वालियर चैंबर में बाढ़ आई थी, इस समय प्रदेश के
उस समय माननीय श्रीमंत देवकाली सिंह जी और माननीय शिवराज सिंह जी इन चंबल की घाटों में घूम रहे थे कि वह बात मुझे गर्व है, फख्र है। श्रीमंत देवकाली सिंह जी ने कहा कि ये माटी, जिस माटी आपको का निश्चित रूप से आभार व्यक्त करती है कि आप विकास के गति देने के लिए तत्पर है, मैं उन्हें आपसे आशा विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हवाई जहाज के साथ साथ आपसे हमारे माननीय सांसद जी भी अनुरोध कर रहे हैं और आप फोन कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन भी आप चमक जाए, ऐसा चमके कि जो दवाइयों का जो पहले हमारे स्टेट समय का जो बना हुआ स्वरूप है उस स्वरूप में और चार चार लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शिवराज सिंह साहब को हमेशा हमारे हर परिस्थितियों में हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में इस समय चर्चा करके उद्योग के क्षेत्र में भी हमें कुछ उद्योग स्थापित कराने के लिए टीम जो बैठी हुई है आपके कुशल मार्गदर्शन में माननीय श्रीमंत देवकाली सिंह जी और माननीय नरेंद्र सिंह जी के ग्वालियर को उद्योग मिले, जिससे युवाओं के चेहरे पर जो आपकी इच्छा है चमक आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। जय जय भारत। तो एक बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। हम ज्यादा जानकारी इस पर लेंगे। हमारे साथ संवाददाता इंदौर से पीयूष पारे लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही ग्वालियर से संवाददाता प्रहलाद सेन मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले प्रहलाद, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी आज। बिल्कुल जया, हम कह सकते हैं कि जब से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं तभी से ग्वालियर को लगातार फ्लाइटों की सौगात मिल रही है। जो हवाई कनेक्टिविटी है वो बेहद सुगम हो गई है और ये चार नई फ्लाइटें ग्वालियर को मिली हैं। इंडिगो की ये फ्लाइटें हैं और दिल्ली ग्वालियर इंदौर की कनेक्टिविटी यहाँ से होगी। और अगर बात करें ग्वालियर से इंदौर के लिए तो महज आप 90 मिनट में इस सफ़र को पूरा करेंगे, जबकि अगर बात करें ट्रेन से इस सफ़र को लगभग 11 घंटे लगते थे। कमोवेश दिल्ली के लिए अगर बात करें तो महज 70 मिनट में हम वहां पर पहुंचेंगे दिल्ली, तो एक बेहतर सुविधा यहां पर मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो इससे पहले भी कुछ फ्लाइटें दी गई थी, तो कुल मिलाकर 10 नई फ्लाइटें ग्वालियर को मिली हैं। जया, बिल्कुल, जब से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रभार संभाला है तभी से लगातार ग्वालियर को सौगातें देने का सिलसिला जारी है और एक और दिल्ली इंदौर ग्वालियर के यात्रा के लिए आज से नई फ्लाइट की शुरुआत की गई है। बने रहिएगा प्रहलाद, इंदौर से हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, इंदौर के लिए कितनी बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ग्वालियर के लिए तो लगातार फ्लाइट दे रहे हैं, लगातार सौगातें दी जा रही है, लेकिन इंदौर वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना का जो पिछले दिनों का वक्त गुजरा है उसके बाद में कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा है तो वो नागरिक उड्डयन विभाग पर पड़ा है। और उसी के बाद में अब जब हालात यहाँ पर धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं तो कहा जा सकता है कि आज इंदौर से दुबई के लिए सीधे तौर पर यहाँ पर फ्लाइट की सौगात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर दी है। तकरीबन 17 महीने बाद इस फ्लाइट की शुरुआत हुई है और इंदौर एयरपोर्ट की हम लोग बात करें, तस्वीरें हम दिखा देंगे, जिस तरीके से यहाँ पर खास व्यवस्थाएं की गई है और सिर्फ 2 घंटे का यह सफर रहेगा, लेकिन यात्रियों को यहाँ पर 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट यहाँ पर दिखानी बहुत आवश्यक होगी, तमाम डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी और उसके बाद में यहाँ पर यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर कोशिश वही है, जिस तरीके से लंबे समय से ये फ्लाइट बंद थी, व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके साथ ही व्यावसायिक गतिविधियां कैसे यहाँ पर रफ्तार पकड़े उसके लिए भी ये कोशिशें यहाँ पर नजर आती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर ये फ्लाइट बंद थी, जिसके चलते यात्री इंतजार में थे, व्यापारिक अलग अलग जो वर्ग से लोग आते हैं उन्हें यहाँ पर इंतजार था और आज इस फ्लाइट की शुरुआत होने के साथ में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो व्यावसायिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां हैं
वो भी कहीं ना कहीं पटरी पर लौटेगी। आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री वर्चुअली जुड़े हैं और उसके साथ में इंदौर में जो कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट है, बीजेपी के तमाम नेता हैं, नागरिक उड्डयन विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात है और उसके साथ ही जो स्थानीय फ्लाइटें यहाँ पर शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, वो भी कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले दिनों में यात्रियों को भी एक बड़ी सुविधा के तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात इसे पीयूष निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, प्रहलाद आपका भी बहुत धन्यवाद, इसके साथ ही पीयूष आपका भी शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली इंदौर ग्वालियर के लिए आज से फ्लाइट की शुरुआत की गई और आपको जानकारी दे दें कि ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात इसे इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ट्रेन से 11 घंटे इंदौर पहुंचने में लगते थे, लेकिन अब ये आपको बता दें कि ग्वालियर से 90 मिनट में मात्र इस सौगात के बाद अभी पहुंच पाएंगे ग्वालियर वासी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को जो इंटरनेशनल फ्लाइट की सौगात